इस वीडियो में हम लोग चित्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। पहला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr होता है, r मतलब त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। वृत्त का व्यास अर्थात d बराबर 2r। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है d बटे 2, अर्थात व्यास में हम व्यास में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या हमारा निकल आएगा। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि πr प्लस 2r होता है, तो हम r कॉमन करेंगे तो हो जाएगा r कोष्ठ में पाई प्लस 2 या r कोष्ठ में 2 प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2πr। थीटा बटे 360 गुणे 2πr। वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर गुणे साइन थीटा, ये क्या है। यह वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर माइनस 1/2 πr स्क्वायर गुणे साइन थीटा, यह वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल है। अगला 9 नंबर पे देखिए वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर, यह 360 अंश है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन का आयतन अर्थात भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा अर्थात a गुणे a गुणे a अर्थात 1u। घनापी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h कोष्ठ में l प्लस b, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ h का मतलब ऊंचाई, l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई। यहाँ देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्ठ में r प्लस एच, 2πr कोष्ठ में r प्लस एच। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr l, r त्रिज्या है, l लंबाई है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्ठ में l प्लस r। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो शंकु कैसे बनता है, ये देखिए ये शंकु हो जाएगा, ए हमारा त्रिज्या हो जाएगा आर, ए हमारा एल हो जाएगा, आई हमारा एच हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी त्रिज्या ऊंचाई ये पूछ रहा है, ये वाला त्रिज्या ऊंचाई, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² गोलीय कोष का आयतन बराबर 4/3 पाई कोष्ठ में r1q - r2q। यह चित्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।